अभी तक मैंने बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर लॉन्चिंग में गया है और ये ट्रेलर नो डाउट बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है और एक बार में दिल भरता नहीं है, इसलिए कहूँगा कि मुझे बार बार देखना है, मेरा मन कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी इसको जब ट्रेलर देखेंगे तो सिनेमा देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए भी बेचैन हो जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द फिल्म आए और हम जल्द से जल्द बहुत सारा प्यार दें। हो सकता है कि ये खेसारी जी का प्यार है वो मुझे इतना अच्छे से टैकल करते हैं कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं किसी स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। तो इसलिए यही कारण है कि जब हम दोनों काम करते हैं तो इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी लगती है कि लगता है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और इसीलिए वो कैरेक्टर वो स्क्रीन पे बहुत सुंदर तरीके से निखर के आता है। मैं सहरा बांध के आऊँगा, बहुत शानदार, बहुत सुंदर फिल्म है, एक पारिवारिक फिल्म है, उसको जैसे कि लोगों का प्यार मिल रहा है उतना ही ज़्यादा प्यार मुझे उम्मीद है कि दीवानापन को मिलने वाला है, क्योंकि दीवानापन जो भी देखेगा वो दीवाना हो जाएगा, इतना दीवानापन है इस फिल्म में। अभी मैं कल ही निकल रहा हूँ दीवानापन के बाद, राजा जानी की शूटिंग है, हमारी फिल्म की शूटिंग है देवघर झारखंड में, तो केसरी भाई के साथ मेरी ये नेक्स्ट फिल्म है और उसके बाद और भी है कंटिन्यू, पर उसका टाइटल अभी तय नहीं है, इसलिए जब वो होता जाएगा तो एक एक करके मैं आपको बताता जाऊँगा। प्लानिंग चल रही है, हो सकता है फरवरी में हो, एक राजा जी आई लव यू वो एक फिल्म है, उसकी बातचीत चल रही है मेरी, तो दिनेश जी के साथ मेरी 2-3 फिल्मों की बातचीत चल रही है प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, तो खेसारी जी दिनेश जी दोनों सुपरस्टारों के साथ मैं लगातार आपको दिखता रहूँगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही फ्रेंडली माहौल क्रिएट करते हैं और दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि टाइम नहीं मिल रहा दाढ़ी बनाने का, लेकिन थोड़ा सा है, अगर कुछ प्लानिंग चल रही है, अगर हो सका तो अगली फिल्म में दाढ़ी में दिखूँ, लेकिन अगर डायरेक्टर ने चाहा तो, अगर वो नहीं चाहेंगे तो शायद ये कट जाएगा। थैंक यू आप सबका, और मुझे देखने वाले, मुझे प्यार करने वाले आप सबको ढेरों प्यार और धन्यवाद। आप सबका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको बहुत सुंदर सुंदर फिल्म, सुंदर सुंदर एक्ट, सुंदर सुंदर कहानी आपके सामने लाते रहें और आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। लव यू ऑल। प्लैनेट भोजपुरी।